नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर झेल चुकी दुनिया में इन दिनों मंकी पॉक्स का खतरा मंडराया हुआ है। आलम यह है कि मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, WHO ने बीते दिनों 75 देशों में मंकी पॉक्स संक्रमण के 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जिसके बाद इस समय को WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भविष्य के लिए सतर्क रहने वाला बताया है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए चेचक के टीके कारगर हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी अंतिम फैसले से पहुंचने के लिए अधिक प्रयोगशाला आधारित डेटा की जरूरत होगी। वहीं आपको बता दें, NDTV को इंटरव्यू देते हुए WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने यह मंकी पॉक्स का प्रकोप हमारे लिए एक जागृत कॉल की तरह बताया है, क्योंकि हमें हर समय घातक प्रकोप के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। वहीं WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि 1989 और 1980 से चेचक के टीकाकरण कार्यक्रम को रोक दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि इसने वायरस को दुनिया पर फैलने की मदद की होगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास चेचक दूसरी और तीसरी CD के टीके हैं, लेकिन उनकी बहुत सीमित खुराक है। उन्होंने कहा कि अगर चेचक का प्रकोप फैलता है तो इसे ध्यान में रखते हुए देश इन टीकों का भंडार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, WHO की चेतावनी पर सभी लोगों को सतर्क रहने का समय है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।